नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग जो है एक स्नेक अवेयरनेस का प्रोग्राम जो करने के लिए हमारे एरिया के पास यानी पिंपरी चिंचोड़, पुणे में पिंपरी चिंचोड़ और पिंपरी चिंचोड़ में भोसरी एमएडीसी एरिया, भोसरी एमएडीसी में हम लोग जो है एक कंपनी है सेडमैक कंपनी, जहाँ पे हम लोग सांपों की जानकारी देने के लिए आए और ऐसे प्रोग्राम जो हम लोग करते रहते हैं ताकि लोग जागरूक हो और बेजुबान प्राणी जो मरने से बचे। तो हमारे साथ जुड़े हैं पाटिल सर, तो ये यहाँ के इस कंपनी के जो एडमिन है और पाटिल सर ने इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज किया है ताकि लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता चले और लोगों का जो डर है वो डर पूरी तरह से वो खत्म हो जाए, क्योंकि इस डर की वजह से क्या होता है, या तो इंसान की मौत होती है या बेजुबान प्राणी की मौत हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा भारत देश के अंदर जो जहरीले सांप और बिना जहर वाले ऐसे सांपों के बारे में बताएंगे जिनका आमना सामना जो है वो इंसानों के साथ जो होता है। तो पाटिल सर, इजाजत है? मेरी आवाज आ रही है सब तक? तो सबसे पहले सांप ये नाम सुन के जो लोगों के अंदर एक डर और एक आतंक मचा हुआ है, सांप का नाम सुन के पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। कोई बोलता सांप का नाम सुने तो मुझे ऐसा होता है, कोई बोलता मेरे एकदम ऐसे बाल खड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो सबसे पहले तो आपको यह करना है कि घबराना नहीं है, क्योंकि जिस तरह बाकी जो प्राणी है उसी तरह सांप भी एक प्राणी है, खाली फिल्मों और सीरियल की वजह से उसको बदनाम किया है। जो आप फिल्मों या सीरियल में जो आप तो सांपों के बारे में सुनते और देखते हो, हकीकत में उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो भी वो दिखाते कुछ भी उसके साथ मैच नहीं होता, उसको सिर्फ एक डरा धमका के एक मसाला लगा के आपको दिखाया जाता है। इस दुनिया में धरती पर सबसे अगर डरपोक कोई प्राणी है तो वो है सांप, सबसे डरपोक प्राणी है सांप। इसके लिए सांप हमेशा क्या करता है, छुप के रहता है, इंसानों के आमने सामने आता नहीं, हमेशा गड्ढों में, बिलों में, ऐसी जगह में छुप के रहता है और गलती से जब हमको दिखता तो हम लोग उसको देखकर डर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सांप के नाम से डरना नहीं है, क्योंकि सांप को जब आप हाथ लगाएंगे या उसको जबरदस्ती पकड़ेंगे तभी सांप काटता है। अगर आपके सामने सांप है 2-3 फुट का, अगर आपका उसके साथ डिस्टेंस है, तब तक सांप आपका नुकसान करता नहीं है। सांप इंसान को देखने के बाद सबसे पहले भागता है, उसके बाद छुपता है, उसके बाद वार्निंग देता है, उसके बाद जाके मजबूरी में काटता है, अपने को इतने ऑप्शन देता है, लेकिन हम लोग क्या हो जाता है, डरते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, भारत देश के अंदर जो प्रमुख जो 4 सांप है पूरे भारत देश में, खाली ऐसे 4 सांप है जिसकी वजह से सर्पदंश होता है, इंसान की कहीं भी सांप से मृत्यु होती है तो उसके लिए 4 सांप जो जिम्मेदार है। तो थोड़ा सा आपको पहले एक बात बता देता हूं कि हमारे पूरे भारत देश में, हमारे पूरे इंडिया में जो है 280 प्रकार की जाति है सांपों की, 280 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स। इन 280 में से 10 प्रकार के जो सांप है वो जहरीले हैं और इन 10 के अंदर सिर्फ 4 सांप जो है उन्हीं की वजह से सर्पदंश होता है पूरे भारत में, और ये 4 जो सांप है ये कॉमन है हर जगह पे पूरे इंडिया में। तो उसके अंदर से सबसे पहले हम लोग सबसे पहले नाम लेंगे नाग। नाग सबको पता है जो फन निकालता है उसको बोलते हैं हम नाग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोबरा, कोबरा सांप। उसके बाद दूसरा जो आता है, उसके बाद दूसरा आपको मैं बताऊंगा ये वाला रेसल्स वाइपर, रेसल्स वाइपर यानी जिसको हम लोग मराठी में घुनस बोलते हैं, घुनस नाम सुना है आप लोगों ने, जो अजगर की तरह दिखता है, दिखने में आपको अजगर के दिखता लेकिन अजगर नहीं है, वो सब आपको डिटेल दूंगा। उसके बाद तीसरा आता है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं मनियार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेट, कॉमन इंडियन क्रेट। उसके बाद चौथा जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग फुरसे, मराठी में फुरसे, हिंदी में फुरसा, और अंग्रेजी में जो इसको सॉ स्केल वाइपर, यह भी वाइपर की जाती है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि सिर्फ 4 सांप, इसको छोड़ के कोई भी सांप से इंसान को खतरा नहीं है। बाकी 4 सांप है उसके अंदर से सबसे पहले हम बात करेंगे नाग, नाग यानी कोबरा, कोबरा सांप। अभी आपने देखा रहेगा जैसे कि फिल्मों में आपने देखा है कि कोबरा को आपने देखा कि जैसे किसी इंसान को वो काटता है और वो तुरंत मर जाता है। तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि ऐसा कोई सांप नहीं है कि जब इंसान को काटा और इंसान उसी वक्त मर गया, ऐसा कभी नहीं होता। अब ये नाग समझो अगर आपको नॉर्मल तरीके से काटता है, जैसे अगर वो कहीं बैठे है और आप उसके सामने आ रहे और इसने आपको ऐसा डस दिया, तो कम से कम हमारे पास 1.5 घंटे का वक्त होता है। और अगर समझो उसके ऊपर पांव आ गया और आपका पांव वहां से हटा नहीं काफी देर, और उस प्रेशर में उसने अगर आपको ताकत से काट लिया, फिर भी हमारे पास कम से कम 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटे का। तो हमको सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको नाग के बारे में बताता हूँ। नाग जो है सब जगह पे कॉमन है पूरे इंडिया में, आपने यहाँ पे भी बहुत नाग है, हम लोग रोज पकड़ते हैं। और ये जो नाग है इसकी जो लंबाई है ज्यादा से ज्यादा 5 से 5.5 फुट, इसके आगे बढ़ता नहीं। लेकिन ये जब बच्चा जब अंडे में से बाहर निकलता है तभी से इसके अंदर विष दंत और इसके अंदर जहर जो है तैयार होता है। इसकी वजह से कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा नाग का, ये कुछ नहीं करेगा, तो कुछ लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको।
उसको हाथ लगाना नहीं, क्योंकि वो जहरीला है, वो जन्म से ही जहरीला है। लेकिन नाक जो है दिखने में जितना जहरीला है, इसकी एक बूंद से कम 12 से 15 लोगों की मौत हो सकती है, इतना जबरदस्त इसके अंदर जहर होता है। लेकिन ये बिना वजह के किसी काटता नहीं, और खाली नाक एक ऐसा सांप है कि जब आपके सामने बैठ जाता है तो एक दो बार आपको वार्निंग देता है, ऐसा करके जब डसता है, फुंकारे मार के जब आपको डसता है तो ये क्या करता है, अपना मुंह टकराता है आपके ऊपर, लेकिन दांत गाड़ता नहीं। वो एक बार दो बार तीन बार आपको ऐसा वार्निंग देता है, लेकिन चौथी पांचवी बार क्या करेगा, वो आपको डस देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान ने उसको इतना छेड़ा होता है, इतना उसको तंग किया होता है कि वो पहली बार के अंदर ही काट के दांत गाड़ के जहर छोड़ देता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको डरना नहीं है, ये एकदम कॉमन है। नाक जब आपको कभी दिखता है तो या तो आपको सर्प मित्र को बुलाना है, अगर नहीं कोई आता तो उसके सामने से हट जाओ, वहां से निकल जाएगा। सांप क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो सिर्फ गंदगी खाने के लिए आती है, चूहा, मेंढक, छिपकली, गिरगट और जो छोटे किस्म के सांप है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बाकी इनको इंसान से कोई लेना देना नहीं है, इनको दूध से कोई लेना देना नहीं है, इसको अनाज से कोई लेना देना नहीं। तो ये नाक जो है, इन्हें कोबरा, ये एकदम हमारे इधर कॉमन है। ये आपको समझ में आ गया कोबरा के बारे में नाक। उसके बाद दूसरा आपको बताता हूं मैं, ये रसल्स वाइपर, जिसको हम लोग घोनस के नाम से जानते हैं। ये दिखने में अजगर की तरह दिखता है, और किसी ने इसको छेड़ दिया तो ये एक बहुत जोर से आवाज करता है सर, जैसे कि मतलब एक कुकर की सीटी बजती है, इस तरह से ये आवाज करता है। ये आवाज का मतलब होता है कि ये बहुत हाइपरटेंशन में है, और ये तुमको एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है कि मेरे नजदीक आना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत सुस्त है, क्योंकि ये ज्यादा तेज रफ्तार वाला सांप नहीं है, इसको खतरा महसूस होगा तो ये ऐसा कॉइल मार के बैठ जाता है और एक आवाज पैदा करता है। लेकिन इसका जो काटने का तरीका, यह सबसे खतरनाक है। आपके पलक झपकने से पहले यह काट के जहर छोड़ के पीछे आ जाता है, और इसके काटने के बाद क्या होता है, ये जब जहर छोड़ देता है तो हमारे पूरे ब्लड को क्लॉट कर देता है और मसल्स को पूरा डैमेज कर देता है। जब नाक आपको काटता है तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, हमारे किडनी पे, लीवर पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। लेकिन जब रसल्स वाइपर काटता है तो ये आपके टिश्यूज को डैमेज कर देता है, आपकी जो नसें, आपके जो सेल्स है, इसको पूरा का पूरा वो बर्बाद कर देता है। और 5-6 घंटे गुजर गए, उसके बाद धीरे 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 जो आपका मांस गलना शुरू हो जाता है, जैसे जलने के बाद मांस टपकता है ना, ऐसा पूरा मांस गलना शुरू हो जाता है। नाक जो होता है इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन, यह नाम का वेनम होता है, और रसल्स वाइपर जो होता है, जिसको घोनस बोलते हैं, इसके अंदर हेमोटॉक्सिक नाम का जो है जहर होता है। हेमोटॉक्सिक जहर मतलब क्या करता है, हमारे मसल्स को, टिश्यूज को, यह पूरा, ये पूरे शरीर, ये ऊपर के मसल्स को डैमेज कर देता है। इसकी वजह से यह सबसे खतरनाक है, और यह भी हमारे यहाँ पे कॉमन है। इसको आपको फोटो में आपको नजर आ रहा होगा, देखो आपको जब भी आपके आसपास ऐसा लगा कि कोई मोटा सांप दिख रहा है और आपको ऐसा लगा कि यह अजगर लग रहा है, तो ये समझो कि अजगर नहीं, आपने एरिया में अजगर नहीं है। तो ये इसका मतलब आपको समझ जाना कि रसल्स वाइपर, जिसको महाराष्ट्र में हम घोनस बोलते हैं, इधर मिला है। हाँ, तो सबसे जहरीला, वो सबसे जहरीला वो सांप ऐसा है कि आपको जब वार्निंग देता है तो उसके रेंज में नहीं आना, वो इंतजार करता है कि ये मेरी रेंज तक कब आता है। जैसे आप उसके 2 या 3 फुट के रेंज में आ गए, उसको पता चल गया, तो वो पलक झपक के आपको जंप करके काट के पीछे आ गया, उसका काम हो गया। और इसके जो विष दंत होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं, कम से कम 3.5 सेंटीमीटर के इसके विष दंत होते हैं, इतने बड़े, मेरी उंगली जितने रहेंगे इतने, या जब फोल्ड होते हैं अंदर। कोबरा सांप के जो विष दंत होते हैं, ये छोटे होते हैं और ये सामने होते हैं, इसकी वजह से कोबरा सांप यानी नाक जो है वो डस सकता है, खाली नाक डस सकता है, बाकी सांप को क्या करना है, काटना पड़ता है। लेकिन वो काटते इतनी स्पीड में कि आपको पता भी नहीं चलता उसने कब काटा। तो ये दूसरा जो है रसल्स वाइपर, ठीक है, और ये मनेर के बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद तीसरा आपको बताता हूं मैं, फुरसे, ये फुरसे सांप है, ये भी वाइपर की प्रजाति है। इसके अंदर चारों प्रकार का वेनम पाया जाता है, इसका जो असर है, इसके अंदर चारों प्रकार के वेनम का असर मिलता है, न्यूरोटॉक्सिन, कार्डियोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन। ये दिखने में छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक सांप, ये इतनी तेज रफ्तार से काटता है कि आपने अगर उसकी शूटिंग भी ली तो आपको स्लो मोशन करके देखना पड़ेगा इसने काटा कर, आपको पता ही नहीं चलेगा, 50 बार भी देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ये एकदम ऐसा खड़ करके स्प्रिंग एक्शन में ऐसा काट लेता है। इसकी जो लंबाई होती है, ज्यादा से ज्ययादा बहुत होगा तो 1.5 फुट, ये 1.5 फुट के आगे बढ़ता नहीं, और ये मेरी जो बीच की उंगली है, ये ज्यादा से ज्यादा इतना मोटा होता है, और एकदम ऐसा कॉइल मार के अपने बॉडी को घसता है और घस के उसमें से आवाज पैदा करता है। ये रसल्स वाइपर है, ये अपने सांस जोर जोर से लेकर उसमें आवाज पैदा करता है, और ये जो है ये बॉडी को घसता है, और ऐसे जोर जोर से घसने के बाद ये जो अपने आवाज पैदा करता है। तो इसको ध्यान में रखना, फुरसे, अभी अपने एरिया में यहाँ पे फुरसे नहीं मिलता, अगर अपने एरिया में अगर आप पूछेंगे तो हमको डिगी साइट और कुछ पाषाण बानेर के कुछ इलाकों में, पहाड़ पथरी पहाड़ी इलाका है, ये यहाँ पे छुप के रहता है, और ये इतना छोटा कि ये नजर नहीं आता, इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो मौतें होती है फुरसे सांप की वजह से होती है, खासकर गांवों में, क्योंकि ये पता नहीं चलता।
और ये मिट्टी के कलर में मैच हो जाता है। तो जैसा इसके आसपास कोई जाता है तुरंत बाइट ले लेता है। ये बहुत क्विक एक्शन है इसका। तो ये फुरसे, हिंदी में इसको बोलते फुरसा, इंग्लिश में सॉस्केल वाइपर, ये भी आपने पूरे इंडिया में कॉमन है। आपको पहला नाक के बारे में बताया, दूसरा मैंने बताया घोनस वेसल्स वाइपर, तीसरा आपको बताया मैंने सॉस्केल वाइपर यानी फुरसे। अभी चौथा सांप जो है इसको बोलते हैं मनियार, महाराष्ट्र में मनियार, इंग्लिश में इंडियन कॉमन क्रेट और हिंदी में इसको बोलते करे। यह सांप जो है सबसे अलग है और इसकी एकदम आसान पहचान है कि इसका पूरा रंग होता है काला। और यह सांप जो है हमेशा ये रात को निकलता है, ये दिन में कभी बाहर नहीं आता, ये दिन में हमेशा छुपके रहता है। अगर किसी के घर में अगर रात को दाखिल हो गया और सुबह हो गई तो ये घर के बाहर आएगा नहीं, ये रात का इंतजार करता है। जैसे रात हो जाएगी 8-8:30 बजेंगे उसके बाद इसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगर कंपेयर करेंगे ये भारत देश के चार सांप सबसे जहरीले जिसके वजह से सर्पदंश होता है। लेकिन आप अगर ये चारों में से अगर आप पूछेंगे कि इनमें से सबसे खतरनाक कौन है ये चारों में से, तो हम बोलेंगे ये मनियार। अभी आप पूछेंगे ऐसे क्यों, सबसे पहले आपको फिर बता देता हूं, मनियार सांप जो है इसका रंग होता है पूरा काला और काला होने के बाद इसके शरीर के ऊपर सफेद कलर की धारियां व्हाइट कलर की लाइनिंग होती है इसके शरीर की और पूरा चमकता है वो, ऐसा लगता है कि शायद इसके ऊपर किसी ने तेल लगाया। तो रात में जब आपको ऐसा दिखे तो समझ जाना कि ये मनियार सांप है और इससे हमेशा दूरी बना के रखनी है। यह सांप की खासियत ये कि यह जब सांप किसी को काटता है सबसे पहले यह काटने के बाद इंसान को पता नहीं चलता, ना आपको दर्द होगी, ना आपको जलन होगी, ना आपको सूजन आएगी और ना आपको उसकी जो है निशान सर्पदंश के निशान दिखाई देंगे। तो आप बोलेंगे अभी ऐसा होगा तो आपको पता कैसा चलेगा, तो आपको पता तो क्या होता है रात के टाइम में क्या होता है, यह सांप जब किसी घर के अंदर दाखिल होता है तो जो लोग नीचे सो रहे होते हैं तो ये सांप को गर्मी की बहुत जरूरत पड़ती है, जहां पे इसको गर्माइश लगी ये घुस जाता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, जो नीचे सो रहे होते हैं ये उनके बिस्तर में चले जाते हैं गर्मी लेने के लिए, मारने के लिए नहीं, और गर्मी के लेने के लिए आपके बिस्तर में आ जाता है। और बिस्तर में आने के बाद जब आप करवट वगैरह बदलते हो तो ये क्या करता है आपको घबराहट के काट लेता है, काटने के बाद आपको पता नहीं चलता। और जिस इंसान की नींद एकदम गहरी है जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं कि घोड़े बेच के सोता है आदमी, बोलते ना ऐसा, तो जो आदमी इतनी गहरी नींद में सोता है अगर उसको इसने काट लिया तो वो आदमी वापिस उठता नहीं, वो इतनी गहरी नींद में होता है और उसके बाद वो खुद कोमा में चले जाता है और उसके बाद फिर हो गया काम। तो ये सांप का ऐसा है कि जब रात को आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लगेगा कि एक चींटी ने या खटमल ने या एक मच्छर ने आपको काटा है, आप ऐसा थोड़ा सा ऐसा खुजलाएंगे आपका काम हो गया, आपको लगेगा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका असर जो शुरू होता है कभी कभी डेढ़ घंटे, ज्यादा से ज्यादा डेढ़ घंटे के बाद ही शुरू होता है इसका असर, डेढ़ घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, कभी कभी ढाई घंटे के बाद उसकी शुरुआत होती है आपके पेट दर्द से। आपके पेट में इतना तेज दर्द होएगा, इतना तेज दर्द होएगा कि आपको कंट्रोल नहीं होएगा बिल्कुल भी, आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होएगा आपको। और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और आधा आधा घंटा बढ़ेगा उसके बाद आपके पूरे शरीर के अंदर जलन होगी और पूरे जॉइंट्स के अंदर आपको पूरी दर्द होगी, इतना दर्द होएगा जैसे कि आपको लगेगा शायद आपने 5-6 घंटे कोई मतलब गड्ढा खोदा है, कोई मजदूरी की है और दूसरे दिन हमको कैसा तकलीफ होती है, इस तरह पूरे आपके शरीर के अंदर आपको जलन और आपके जॉइंट्स दर्द होंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको चक्कर आने लगेंगे, उसके बाद आपकी आंखें जो है वो लाल होने लगेगी और आंख होने के बाद आपकी पलकें झपकने लगेगी और धीरे धीरे जब आप बोलोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो, उसकी जबान जो है वो भारी हो जाती है। उसके बाद आपकी ये जो ये गाल की जो स्किन होती है वाली ये टाइट हो जाती है, टाइट अच्छा खींचने लगती है, जैसे सर्दियों में हम लोग अगर ज्यादा साबुन यूज करते तो त्वचा कैसी खींचती है वो ऐसा, ये जब आपको लगता है रात को ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना कि आपको करे सांप ने काटा है। और ये जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, अगर 1 घंटा निकल गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। इसकी वजह से ये भारत देश का सबसे खतरनाक सांप इसको बोलते हैं। इसके फैंग्स यानी इसके विष दंत इतने छोटे होते हैं कि अगर मैं पकड़ के आपको दिखाऊं तो किसी को भी दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आपको एकदम ऐसा नजदीक आके देखना पड़ेगा, एकदम कांच की तरह छोटे से, इसकी वजह से काटता तो पता नहीं चलता किसी को। और दूसरी बात, इसका जो जहर होता है इसके जहर में असर बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर भी वही जहर होता है जो कोबरा सांप में होता है, लेकिन इसके जो जहर का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि 80-85% ये सांप या दूसरे सांपों को खाता है, करेज सांप इसका जो मनपसंद शिकार है दूसरे सांपों को खाना, खुद ये अपनी बिरादरी के सांपों को खाता है, इसको पेट भरने से मतलब है, इसकी वजह से इसका जो जहर है वो दुगना हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी रात के टाइम, दिन के टाइम में बाहर क्यों नहीं आता, क्योंकि दिन के टाइम इसको जो बाहर का जो क्लाइमेट होता है ये इसको सूट नहीं होता और दिन की जो रोशनी होती है ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये सांप, इसकी वजह से हमेशा रात को निकलता है। रात को एक बार निकलेगा घूमेगा 5-5:30 बजे अपने कोने में किधर तो शिकार खा के चुपचाप बैठ जाएगा। तो रात को जब आपको कभी भी ऐसी कोई तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे या पेट दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है।
तब तक घर वालों को बोलना बिस्तर बिस्तर झाड़ के या घर में चेक करोगे सांप तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मौत इसके लिए जल्दी हो जाती है। क्योंकि जब किसी को काटने के बाद क्या होता है, हमको जब तकलीफ होती है तो हम घर वालों को बोलते हैं कि हमारा पेट दर्द हो रहा है और थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, तो घर वाले क्या बोलते हैं इसने कुछ गलत खाया होगा, एसिडिटी हो गई होगी, फिर उसको नींबू पानी पिलाएंगे, सोडा पिलाएंगे, इसके अंदर क्या होता है उसका टाइम वेस्ट होते जाता है और फिर ज्यादा तकलीफ होगी तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आपके जो कोई फैमिली डॉक्टर होगा आप उसके पास लेके जाएंगे, रात को भी अगर फैमिली डॉक्टर है आप उसके पास लेके जाएंगे, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चलता ना, क्योंकि शरीर तो आपका सही दिख रहा है तो कुछ समझ में नहीं आता उसको, इसकी वजह से क्या होता है देर हो जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। वापिस आपको एक बार लाख बता देता हूं, भारत देश के अंदर पूरे देश में भारत इंडिया में जब भी कोई सर्पदंश होता है, जब आप कभी भी सुनते ना सांप काट के आदमी मर गया, तो खाली ये चार सांप जिम्मेदार रहते हैं, नाग मनियार घोनस और फुरसे। इसके अलावा कोई भी सांप काट के मरा है इसकी मतलब बहुत बहुत कम चांस है, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि बाकी जो जहरीले सांप है वो बहुत घने जंगलों में रहता है, वो हमको जाके जबरदस्ती ढूंढेंगे तो हमारा आमना सामना उसके साथ होता है, लेकिन ये जो चारों सांप है ये कॉमन है, ये हर जगह पे रहते हैं, इसकी वजह से सर्पदंश की जो चांस है वो 100% जो है इनकी वजह से होता है। तो वैसे तो ऐसा बताने के लिए बहुत सांपों के बारे में है, लेकिन अगर मैं ऐसा बताऊंगा चार दिन भी बताऊंगा तभी भी इसका टॉपिक खत्म नहीं होगा, तो आपको सिर्फ हम लोग उसी के बारे में बताएंगे जो मेन सांप जिनका इंसान के साथ आमना सामना हमेशा होता है रोज, तो उसके अंदर ये चार सांप आप ध्यान में रखो, आपने इन चार सांप को पहचान लिया तो आपको सर्प मित्र को बुलाने की भी जरूरत नहीं, जब आपने चार सांप को अच्छी तरह पहचान लिया तो आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, जब आप सांप देखोगे तो आपके ध्यान में क्या आएगा पहला, अरे नाग ये तो नाग तो नहीं दिख रहा, अच्छा ये घोनस भी नहीं है, ये मनियार भी नहीं है, ये फुरसे भी नहीं, जब ये चार नहीं है तो फिर आपको पूरी तसल्ली हो जाती है कि 100% कोई तो भी बिना जहर वाला सांप, तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपके पास सर्प मित्र है तो बुलाओ, नहीं रहेगा तो बिना हाथ लगाए उसको किसी चीज में या कैरी बैग में डब्बे में डाल के खाली उसको नदी के किनारे छोड़ो, बस इतना करना, लेकिन डरना नहीं, जब तक आप सांप को हाथ लगाएंगे नहीं, जब तक उसके पैर के ऊपर उसके पीठ के ऊपर पूंछ के ऊपर जब तक पैर आएगा नहीं तब तक कोई भी दुनिया का सांप काटता नहीं, कितना भी जहरीला सांप, इसलिए सांप देखकर डरना नहीं। आपके घर में अचानक आपको दिख गया खाली उसको देखो, घर वालों को बोलो किसी को कॉल करो, खाली नजर रखो कहां जाता है, घबराना नहीं बिल्कुल, मैं तो लोगों को हमने ऐसा चिल्लाते देखा कि मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं दो चार शेर घर में घुस गए, इतना घर में आतंक मचा देते सांप को, तो डरना नहीं खाली, बस इतना ध्यान में रखो। और बाकी जो है बिना जहर वाले जो सांप, हम उन्हीं सांपों के बारे में बताएंगे, कॉमन सांप जो रोज हम लोग हमारा आमना सामना होता है आपका हमारा, तो वही सांप के बारे में बताएंगे, ऐसा बिना जहर वाले बहुत सारे सांप है लेकिन आपको एक कॉमन सांपों के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके अंदर भी गारंटी नहीं है, अभी वो सांप ने आपको किस पोजीशन में काटा है और कौन से मूड में काटा, आपने उसको कितना तंग किया है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी नाक जब काटता तो 40 मिनट के अंदर आदमी की मौत हो जाती है, कभी कभी 2 घंटे में भी आदमी मरता नहीं है, तो हम लोग फिक्स टाइमिंग नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप ऐसा अगर एक जानकारी के हिसाब से अगर हमको पूछेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो है कम से कम 5.5-6 लीटर खून है, अगर हम अगर जहर अंदर छोड़ देते तो पूरे शरीर को बर्बाद होकर इंसान को मरने के लिए 3 घंटे लगते हैं, धीरे धीरे जब सर्कुलेशन पूरे शरीर को बर्बाद करता है तो इस प्रोसेस को 3 घंटे लगते हैं, लेकिन जब सांप जब काटता है तो मैंने आपको बताया कि वो किस पोजीशन में काटता है, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, आप कितना सहन कर सकते हैं और उसने वेनम कितना छोड़ा है, वो आधे घंटे में भी आपको मार सकता है, 1.5 घंटे में भी मार सकता है, 2 घंटे में भी मार सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नाक जो रहता है इसको काटना नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है और मजबूरी में डर के क्या करता है आपको दांत गाड़ देता है, लेकिन दांत गाड़ के जहर छोड़ता नहीं, तो कभी कभी उसके दांत के अंदर थोड़ा सा जहर जो नाक के बराबर वो आपके शरीर में चला जाता है, तो आपको कभी कभी क्या होता है 3-4 घंटे के बाद पता चलता है, अरे यार मुझे अभी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है और हल्का सा वो जगह लाल हो रही है, यानी क्या हो रहा है कि इसका मतलब जो है वो वेनम जो है वो काम करना शुरू करता है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है, तो लेकिन इतना कि आपको एक दिन में छोड़ देंगे, 4-5 एंटी वेनम दे देंगे, क्योंकि जहर मतलब ना के बराबर उसको छोड़ना था, उसको जहर को छोड़ना नहीं था लेकिन डर की वजह से आपको डोज कर देता, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए हम लोग फिक्स नहीं बोल सकते, खाली जब जहरीला सांप दिखेगा तो दूरी बनाओ और डरने की बात नहीं। ये चार सांप आपको समझ में आ गए और ये तो आप इधर देख रहे हो, ये सब बिना जहर वाले सांप, बिना जहर वाले सांपों के अंदर सबसे पहले आपको बताऊंगा जो सबको पता है, हर इंसान को पता है, जिसको हम लोग धामन सांप के नाम से जानते हैं, धामन तो सुना है तो कॉमन है, धामन सांप के अंदर बिल्कुल जहर नहीं होता, हम जो भी सांप अभी बात कर रहे हैं वो सब बिना जहर वाले, आपके एरिया में कभी धामन सांप दिखा तो आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगे धामन सांप यहाँ पे बैठा हुआ है या ऐसा घूम रहा है, आप अपना काम करते रहो, वो अपना काम कर रहा है, वो आपके आसपास की जो वो गंदगी खा रहा है आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको नुकसान नहीं करता वो, क्योंकि उसमें जहर नहीं है, और आप उसके नजदीक जाओगे वो घबरा के भाग जाएगा, आप जबरदस्ती पकड़ोगे तो काटेगा, लेकिन काटने के बाद आदमी मरता नहीं, 4-5 बार भी काटा तो आदमी मरेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको एक टीटी का इंजेक्शन लेना, क्योंकि उसके मुंह में गंदगी रहती, बैक्टीरिया रहती, धामन सांप जब पूरा तैयार होता है कम से कम 7 फुट और उसके आगे, तो उसके मुंह में कम से कम 80 दांत रहते हैं छोटे छोटे,
लोगों को लगता दामन साहब कुछ नहीं करता, घबराएगा तो काटता, हर सांप काटता है। तो बिना जहर में सबसे पहले आपको मैंने बताया दामन सांप, देखो ये तो सबको पता है, खाली इसकी जो लंबाई, इसकी लंबाई देख के आदमी डरता है। इसकी लंबाई जो है 11-12 फुट तक पहुंच जाती है, उसकी लंबाई देख के इंसान डर जाते हैं और डर के उसको मार देते हैं। तो मारना नहीं है वो, जितना भी कितना भी बड़ा होने दो, वो हमारा नुकसान नहीं करता, वो सिर्फ चूहे छिपकली खाने के लिए घूम रहा है आसपास। तो इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं तस्कर सांप, हिंदी में आलंकर सांप और इंग्लिश में ट्रिंकेट स्नेक। ये भी एकदम कॉमन सांप है, रोज या हमेशा जैसा दामन सांप दिखाई देता है उसी तरह ये भी सांप हमेशा दिखाई देता है। लेकिन ये जो सांप है ये दामन सांप की तरह जो है फास्ट मूविंग नहीं है, ये एक्टिव नहीं होता ज्यादा, चपल नहीं, ये बहुत बहुत स्लो होता है। अच्छा धीरे धीरे अगर आपने देख भी लिया और आप उसके पीछे चले गए, आपने उसे डंडे से छेड़ भी दिया, तभी भी आराम से चलेगा वो धीरे धीरे धीरे। और आपके घर में अगर छिपकली और चूहे होंगे तो ये उसका पीछा पीछा करते ये हमेशा घर के अंदर घुस जाता है ये सांप। लेकिन इसमें अंदर जहर नहीं, ज्यादा गुस्से वाला नहीं और 80% काटने की कोशिश करता नहीं। लेकिन जमीन पे अगर किसी ने उसको डरा दिया घबरा दिया तो फिर एकदम अच्छा शेप ले लेता है ये, देखो ये शेप दिख रही है, ऐसा मुंह खोल के इतने शेप ले लिए, तो ये पूरी तैयारी में आ जाता है और उसके बाद ये काट लेता है। पहला होगा धामन सांप, दूसरा होगा तस्कर सांप, उसके बाद हम तीसरा बात, तीसरा जो आपको बताएंगे जो कॉमन है इसको हम लोग महाराष्ट्र में बोलते कवड़िया सांप, कवड़िया सांप इंग्लिश में इसको बोलते हैं वुल्फ स्नेक। बाद में मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा, मेरे चैनल को आप देखोगे, मेरे चैनल को 3 महीने आपने देख लिया तो पूरे इंडिया के सांपों की आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी और एक नंबर सर्प मित्र भी बन जाएंगे आप, मैं इतना डिटेल में समझाता हूँ। तो ये जो सांप है इसको महाराष्ट्र में बोलते कवड़िया, इंग्लिश में इसको दो नाम से जाना जाता है, वुल्फ स्नेक और लिजर्ड स्नेक। इसकी जो शक्ल रहती है छिपकली की शक्ल की तरह इसकी शक्ल दिखती है और इसका मनपसंद शिकार जो होता है छिपकली, 80% ये छिपकली खाने के लिए घर के अंदर आ जाता है। इसकी जो लंबाई होती है ज्यादा से ज्यादा 2 फुट और इसकी चौड़ाई होती है मेरी उंगली जितनी। इसका कलर होता है ब्राउन कलर का और इसके ऊपर होती है व्हाइट कलर की लाइनिंग, लेकिन जो मनियार होता है यह ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर होती है व्हाइट कलर की लाइनिंग। तो ये दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होती है और क्रेड के चक्कर में जो है वो सांप सबसे ज्यादा मारा जाता है। वुल्फ स्नेक लोगों को लगता है मनियार आ गया और मार दिया। उसका रंग चॉकलेटी होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर की लाइनिंग होती है। ये जो होता है ये पूरा डार्क ब्लैक होता है और इसके ऊपर डबल डबल लाइनिंग होती है पूरे शरीर में और ये रात को निकलता है, वो दिन में भी निकलता है रात में भी निकलता है। और घर के अंदर ये दीवार पर चढ़ने में सबसे माहिर सांप, आपकी प्लेन दीवार रहेगी तभी भी ये प्लेन दीवार पर चढ़ जाता है और ये छिपकली खाने के लिए आता है खास, ये ध्यान में रखो। आपके घर में कभी ऐसा दिख गया है ब्राउन कलर का सांप दीवार पे चढ़ा है, व्हाइट कलर की लाइनिंग दिख रही है, तो खाली झाड़ू से उसको गिरा के घर से बाहर निकल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहर बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसको पकड़ना नहीं, काटने में सबसे माहिर है ये, जब तक आपके हाथ में तब तक काटते रहेगा, ये रुकता नहीं है, जितनी देर आपके हाथ में तब तक काटते रहेगा, इधर से काटेगा छोड़ेगा, इधर पकड़ेगा, इधर काटेगा इधर छोड़ेगा, तो आपको जब उसको छोड़ेंगे तभी आप बचेंगे, इसलिए उसको पकड़ना नहीं है। लेकिन उसमें जहर नहीं होता, पहला आपको पता है धामन, दूसरा पता है आपको तस्कर, तीसरा पता है आपको कवड़िया। उसके बाद और एक ऐसा छोटा सांप है जिसको हम लोग बोलते हैं कुकरी, इसका हिंदी में नाम है कुकरी। ये भी आपके घर के पास कॉमन सांप है, ये भी छिपकली छोटे छोटे मेंढक के बच्चे ये खाने के लिए कभी कभी घर के अंदर दाखिल हो जाता है। इसकी भी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 2 फुट होती है, ये भी मेरी ये उंगली जितना चौड़ा होता है, इससे ज्यादा बढ़ता नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो होते हैं काले कलर के पट्टे होते हैं, कलर होता है इसका हल्का सा ग्रे या कभी कभी हल्का सा ब्राउन और उसके ऊपर ब्लैक कलर के जो है पट्टे बने होते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको ये वाला, ये कुकरी। हिंदी में भी कुकरी बोलते हैं, मराठी में भी कुकरी बोलते हैं, इंग्लिश में भी कुकरी बोलते हैं, ये भी एकदम कॉमन सांप है। तो आपको जब ऐसा घर में दिखे कोई ब्राउन कलर का सांप और ब्लैक कलर के उसके ऊपर पट्टे दिख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, सर्प मित्र ने तो झाड़ू से उसको घर के बाहर भगा दो, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको अरे बता दो, मिरर है, ठीक है। हाँ ये मिले हम बोलते हैं गौत्या, इधर मिले, आपकी कंपनी में रेस्क्यू किया ना आपने, कभी किया था परसों, दो दिन पहले आपके कंपनी में पकड़ा है और अभी आते आते हमको वापस उसका भी एक कॉल हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएगी। तो इसको हम लोग मराठी में बोलते हैं गौत्या सांप और हिंदी में इसको बोलते हैं घास वाला सांप, इंग्लिश में इसका नाम है ग्रास स्नेक या ग्रीन कील बैग। ये जो सांप है बहुत धीमी रफ्तार का सांप, एकदम मासूम, जिसको आप लोग गरीब सांप बोलते, एकदम गरीब सांप है, लेकिन उसको देख के इंसान क्या समझता है कि ये हरे कलर का नाग है, क्योंकि जब इसको कोई उंगली से या कोई छड़ी से कोई इसको जब छेड़ता है तो ये क्या करता है, छेड़ते साथ ही अपने आपको चपटा कर देता है, अपने आपको चपटा कर देता है, गर्दन को चपटा करके ऐसा मुंडी ऊपर उठा लेता है, तो दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि वो नाग है, लेकिन ये नाग नहीं है, ये उसकी कॉपी करता है, ये डराने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे मासूम सांप, सबसे गरीब सांप
और ये आपको कभी भी यहाँ पे कभी भी आपको हरे कलर का कोई भी सांप दिख गया तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, रोड के बीच में आता तो डंडी से उठा के एक साइड में कर दो, क्योंकि वो अपना नुकसान कुछ भी नहीं करता। हमको खतरा सिर्फ एक चार सांप से, इसको छोड़ के आपको कोई भी सांप दिखता तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो इधर घूमते तो आपने वो नेचुरल हैबिटेट में घूम रहे खाने पीने के लिए, तो उसको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। गौतिया सांप पूरे हरे कलर का होता है, सिर्फ इसको इतना ध्यान में रखना चाहिए, छोटा बच्चा होता है, जब ये डेढ़ फुट एक फुट के अंदर जब होता है, दो फुट के अंदर होता है, तो इसके शरीर के ऊपर ब्लैक कलर की लाइनिंग्स रहती है, और जैसे जैसे बढ़ता है ये ज्यादा से ज्यादा 3 फुट तक पहुंच जाता है, जब ये पूरा वयस्क हो जाता है तो इसकी ब्लैक लाइनिंग्स गायब हो जाती है और ये पूरा का पूरा प्लेन ग्रीन हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना। उसके बाद चौथा जो आपको बताऊंगा मैं, लास्ट में इसको महाराष्ट्र में आप लोग बोलते हैं विरुला या देवर के नाम से इसको जानते हैं, इसको इंग्लिश में वाटर स्नेक या चेकर्ड कीलबैक के नाम से जानते हैं, ये पानी वाला सांप है, 80% ये पानी के अंदर रहता है। मछली और मेंढक इसका मनपसंद शिकार है, गर्मी लेने के लिए बाहर आ जाता है, और कभी कभी शिकार अगर नहीं मिलता पानी में तो ये भटकते भटकते इंसानों के घर के आसपास आ जाता है खाने की तलाश में। इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन काटता इतनी बेरहमी से कि सर्प मित्र जो है उसको देख के पहले टेंशन में आ जाते हैं, अरे अब इसको पकड़ना कैसा है, क्योंकि जैसे आप इसके नजदीक गए पकड़ने इसका काम हो जाता है काटना शुरू। इसके मुंह में जो कम से कम 120 दांत होते हैं जब ये पूरा वयस्क होता है। इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत बढ़ गया खा पी के तो 4 फुट तक ये पहुंच जाता है, और काटने में इतना खतरनाक, इतनी बेरहमी से काटता है कि एक ही बार इसने काटा तो आपको पूरा मतलब पूरा खून से आपका हाथ भर जाएगा, और कंटिन्यूस काटता है, और एक बार इसे पकड़ लेते ये छोड़ता नहीं, ये जब इसके मन में आएगा ये तभी छोड़ेगा। आपने इसको जितना खींचेंगे जितना छेड़ेंगे ये और दबते जाएगा, इसके दांत भी कभी कभी टूट के अंदर चले जाते हैं, और इसके दांत आपने बाहर नहीं निकाले तो आपके हाथ में गैंग्रीन हो जाता है, तो आदमी डर की वजह से मर जाता है। ये पानी वाला सांप है, तो हमेशा कभी भी आपको पानी में कोई सांप दिखता तो उसके साथ मस्ती मत करो, छेड़ो मत, क्योंकि ये इतना बेरहमी से काटता है कि मतलब आदमी परेशान हो जाता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ये जो कॉमन सांप है इसके बारे में बताया, और इसके अंदर और एक बताता हूं आपको, अजगर सांप, इसके बारे में सिर्फ बता देता हूं मैं। अजगर सांप है अपने एरिया में इधर नहीं मिलता, लेकिन अजगर सांप जो है दिखने में बड़ा है, 15 फुट तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे कि बोलते कि अजगर ने पकड़ लिया और इंसान को निगल लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान को नहीं खाता वो उतना ही शिकार को खा सकता है कि जिसको उसको पता है कि मैं इसको निगल सकता हूं। अगर ये फुल साइज का है समझो 15 फुट का खाते पीते घर का, तो ये कुत्ते को पूरा का पूरा बड़े कुत्ते को ये आराम से निगल सकता है, लेकिन इंसान को खा नहीं सकता वो, ये गलत बात है। और इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता, खाली ये दबोच के मार देता है, और घबराने पर यह काटता इतनी बेरहमी से कि पूरा आपका हाथ डैमेज कर देता है, आपकी कभी कभी हाथी के नशे वैसे सेल सब उखाड़ देगा, इतनी इसकी पावरफुल बाइट होती है, लेकिन इसमें जहर नहीं होता। तो ये उसके बाद मांडुल नाम सुना है आपने मतलब आए दिन सुना रहेगा टीवी में, बहुत इसकी तस्करी होती है, लोग इसको बेचते हैं करोड़ों में बिकता है, ऐसा वैसे सुना रहेगा, लेकिन वो ना करोड़ों में बिकता ना लाखों में बिकता, वो एक कौड़ी के दाम में भी नहीं बिकता वो, क्योंकि अगर वो इतना करोड़ों में बिका होता तो आज कदम सरोवर मेरे 15-20 रो हाउस आराम से होते, इतने हम लोगों ने पकड़ के छोड़े, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको मांडुल सांप, इसका अंग्रेजी में नाम है अर्थ बुआ, लेकिन इसको लोग ज्यादातर कॉमन सैंड बुआ के नाम से जानते हैं। इसको बोलते दो मुंह वाला, लोग इसको बोलते दो मुंह इसको रहते, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं जिसको दो मुंह रहता है, ध्यान में रखो, उसको एक ही मुंह रहता है, लेकिन इसकी जो पूंछ होती है बाकी सांपों की तरह पतली पूंछ नहीं होती, इसकी पूंछ मुंह की तरह ही होती है और उधर ही एंड हो जाती है। इसकी वजह से कुछ लोग इसकी तस्करी करने के लिए क्या करते, इसकी पूंछ के पीछे दो मणि लगा देते और आपको दूर से बोलते कि ये इसकी इधर मुंह है इधर भी मुंह, फिर आप पूछते हैं इधर मुंह है तो फिर जीभ क्यों नहीं निकल रहा, तो वो बोलते कि अभी ये इधर से सो रहा है, 6 महीने इधर सोता है 6 महीने इधर सोता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये जैसा बाकी सांप है, धामन सांप है, पानी वाला सांप, उसी तरह ये भी एक नॉर्मल सांप है, खाली इसको बदनाम किया है, इसका कोई जादू टोना नहीं होता, इसके अंदर कुछ ये खाने पीने से किसी की बॉडी बनती या तुम्हारी कुछ इम्यूनिटी पावर बढ़ी या ऐसा कुछ नहीं होता, खाली गलत चक्कर में जो है वो सांप मारा जाता है भूखा पेट से, नॉर्मल सांप, ठीक है। तो आपको ये मांडू के बारे में बता दिया, तो ये आपको जो मैंने बताया ये आपको सिर्फ मैंने कॉमन सांपों के बताया जो आपने रोज हमारा आमना सामना होता है उनके बारे में बताया, और बाकी की जो अभी थोड़ी जानकारी जो है कदम सर आपको बताएंगे कि सांप काट ले तो फर्स्ट एड क्या करना है और कैसे बचना है उससे। आइए सर, जगत 2500 सापाचे जाते पृथ्वी तरावर, जगत 2500 जाते, त्यातल्या 238 ते 240 जाते आपल्या भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये 52 जाते। मग आता एवढे सगळे साप आहेत त्याच्या सगळ्यांचा आपल्याला जगात अभ्यास करून ठेवणं, आम्ही एकसाथ वितरण केलं तर आमच्या माणसाने आपल्या संग वाद घालून किंवा जनावरांनी आपल्याला त्रास देऊन पाय पडला तर त्याला आपण चावून झाडं शिकवावं की इथून पुढे तो माझ्या नादी लागू नको, मी विषयी
बिगर विषारी सापांमध्ये तशी पिशवीच नसते विषाची, तर ते चावलं तर फक्त टीटीचं इंजेक्शन घ्यायचं, धनुर्वात्याचं इंजेक्शन म्हणतो ना आपण टीटी, तेवढं एक इंजेक्शन घ्यायचं, हा कुठला पण साप चावला येत. आता वायशामध्ये सापाची केस आली की आम्हा दोघांना बोलले यांना साप चावलाय, म्हणजे आम्हाला काही कळत नाही. काही वेळेस साप मारून घेऊन येतात, काही वेळेस म्हणतात आमच्या घरी चला तुम्ही साप घेऊन. मग आम्ही ते पण सापांकडून सांगतो साहेब मला हा बिगर विषयी साप चावलाय, दामन चावलाय, हे चावलंय, मग त्याला सोडा. जर नागाचे लक्षण दिस दोन जागेला असं तुम्ही नॉर्मली बांधू शकता, समजा इथं झालं पाहिजे असं एक दोन जागेला बांधू शकता. तो सेन्स वर आपलं बक्षण स्वीकार करतो, साप को दिखाई देता है, भगवान ने उसको आंख दी है, अगर उसको अगर दिखाई नहीं देता तो उसको फिर आंख की जरूरत नहीं होती. सांपों को दिखाई देता है, हर सांप को दिखाई देता है, सिर्फ इतना कि इसकी नजर जो होती ज्यादा तेज नहीं होती. और दूसरी बात, ये सांपों में अलग अलग श्रेणियां हैं कि कुछ सांपों को कुछ डिस्टेंस तक क्लियर दिखता है और कुछ सांपों को बहुत कम दिखाई देता है, एकदम मतलब धुंधला. जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे आप समझो एक नाग है, नाक को ज्यादा से ज्यादा 10 फुट की रेंज में उसको पूरा क्लियर दिखता है. आप देखो अगर आपके सामने फन निकल के बैठा है, आप ऐसा घूमेंगे तो एकदम आपकी तरफ इधर देखेगा, ऐसा आप इधर घूमेंगे एकदम ऐसा पलटी मारेगा. सेंस तो होता है, सेंस के ऊपर पूरा उनका खेल है, लेकिन उनकी नजर एक लिमिट तक है. आप 10 फुट के आगे चले जाएंगे, 15 फुट 20 फुट, तो आप उसको है ना ऐसा ऐसा कुछ भी हिलती हुई चीज नजर आएंगी, उसको पता नहीं चलता क्या है, लेकिन उसको यह पता कि मेरे सामने कुछ भी चीज है और उसको खतरा है. अगर उसने आपको नहीं भी देखा, अगर आप इधर पीछे खड़े इसके पीछे खड़े और सांप इधर है, तो वह उसकी जीभ से उसको पता चल जाता है कि कोई तो भी मेरे पास है. क्योंकि सांप जो होता है ये ठंडे खून के प्राणी है और गर्म खून को वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को उसी टाइम वो पहचान जाते हैं. आधा किलोमीटर की रेंज में उनको पता चलता है कि मेरा शिकार कहां पे, मेरे को खतरा कहां पे, तो सांपों को दिखाई देता है. अभी समझो धामन सांप, धामन सांप ज्यादा से ज्यादा 12 फुट 13 फुट 15 फुट तक इसको दिखाई देता है, इसके आगे पूरा धुंधला हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता. लेकिन उसको नहीं भी देखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको जीभ से पता चलता है, क्योंकि जीभ से वो सेंस करता है. इसकी वजह से सांप जो है वो कंटिन्यू जीभ निकलता है, उसका कारण है भी. बहुत सारे लोग पूछते हैं वो जीभ क्यों निकलता है, जीभ क्यों निकलता है. जीभ नहीं निकलेगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा. नाक जो है वो सांस लेने के लिए, तो सांपों को दिखाई देता है. और कुछ सांप ऐसे है कि जिसको 5 फुट के दायरे तक दिखाई देता है, 5 फुट के बाद उसको कुछ भी नहीं दिखता, पूरा ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है. और कुछ सांप ऐसे कि जिसको सिर्फ 1 से 1.5 फुट तक दिखता है और उसके आगे दिखता नहीं. लेकिन चाहे सांप को दिखे या सांप को ना दिखे, वो अपने जीभ के सेंस से उसको सब पता चलता है कि मेरे आसपास का माहौल कैसा है. ठीक है, दूसरा क्या सवाल और किसी को कुछ सवाल सांपों को लेकर? यहाँ पे ये मिला था बोनस, हाँ रेस्टोरेंट वाले उधर भी एक है, हाँ और दूर क्या बोनस इसका? हाँ तो अच्छा सवाल किया उन्होंने. ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं घोनस और उसको बोलते हैं डुरकिया घोनस. तो उसको घोनस का नाम इसके लिए दिया है क्योंकि ये मिलते जुलते हैं, सिमिलर है, एकदम सिमिलर है. अगर मैं यहाँ पे अगर घोनस रख दूँ और यहाँ पे अगर वो उसको बोलते हैं कॉमन सैंड, उसको बोलते हैं कॉमन सैंड हुआ. अगर दोनों को मैं अगर आसपास में रखूँ तो आपको लगेगा वो घोनस है, लेकिन दोनों के पैटर्न में बहुत फर्क है. और यह जो रहता है यह ज्यादा से ज्यादा लास्ट 3 फुट के आगे बढ़ता नहीं, और यह जो रहता है यह 5 साढ़े 5 फुट तक, और एक आध बार कभी कभी 6 फुट का मिला है, बहुत खाते पीता रहेगा. और इसकी जो मोटाई होती है, ये मेरा हाथ ये कितना मोटा, इतना मोटा हो जाता है रेसल वाइपर, खाता पीता रहेगा. ये इतना मोटा नहीं होता, ये ज्यादा से ज्यादा मेरी कलाई जितनी तक, बस इसके आगे मोटा नहीं होता. और ये भी आवाज करता है, लेकिन इसके जैसा आवाज नहीं करता, वो थोड़ी थोड़ी आवाज करता है. और वो काटेगा तो आदमी मरेगा नहीं, लेकिन ये काटेगा तो आने हैं जमीनित रहता है, जमीन खोदेला ये दोनों पण आहे. और ये भी जो है बोनस भी है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है. और ये कॉमन सैंड हुआ, उसके बाद ये मांडुल, ये जो सांप है ये भी जो है डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इनमें जहर नहीं है, इसमें जहर है. इनके पैटर्न को देखना है, रेसल वाइपर घोनस जो रहता है ना उसके शरीर के ऊपर ऐसा गोल 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 ऐसा सर्कल है पूरे शरीर पे चेन की तरह, इसके लिए उसको चेन वाइपर भी बोलते हैं. आपको कभी घोनस दिखा ना आप गौर से देखो, उसका मुंह जो है वो त्रिकोण आकार दिखेगा और उसके ऊपर सर्कल ऐसे ना गोल 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 पूरे शरीर पे ऐसा गोल 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 ऐसा पूरे जुड़े रहते हैं. इसके ऊपर ऐसा सर्कल बिल्कुल कुछ नहीं रहते, बस ये इसकी पहचान है. और ये ज्यादा अपने इधर कॉमन मिलता नहीं है, ये अपने इधर कॉमन है जहरीला जो है घोनस. अजून कोणाला विचारा की गुड प्रश्न है. अभी आपको मैं असली में बताता हूँ सांप की उम्र जो है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना रहेगा और बहुत सारे यूट्यूब पे आपने चैनल देखे जहाँ पे लोग बड़ा चढ़ा के बताते, खाली वो अपने यूट्यूब के प्रमोशन के लिए बताते ये 50 साल पुराना सांप मिला, ये 30 साल पुराना सांप मिला. सबसे पहले आपको हकीकत ये बताता हूँ कि सांप की उम्र जो है ज्यादा से ज्यादा 15 साल के आगे जीता नहीं है, ये इसकी आखिरी उम्र है. अजगर का खाली जो अजगर सांप है वो ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक जीत सकता है. अगर वो जंगल के हिसाब से अगर वो खाने पीने को उसको सही मिला तो वो इतना निकाल सकता है समय,
लेकिन जो नाग हो गया, धामन हो गया, पानी वाला सांप हो गया, जो सांप 4 फुट उसके आगे जो बढ़ते, इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 साल, 15 साल के बाद ऐसे बूढ़े होकर मर जाते, इतना कोई सांप आगे बढ़ता नहीं। खाली जो किंग कोबरा सांप है, जिसको हम लोग किंग कोबरा बोलते हैं, किंग कोबरा अपने इधर महाराष्ट्र में किधर भी नहीं मिलता, वो सिर्फ केरल भाग में मिलता है, केरल में मिलता है, तमिलनाडु के एक दो भाग में, कर्नाटक के एक दो इलाकों में मिला है। इसकी वजह से हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो किंग कोबरा इतना जहरीला सांप है कि काटा तो आदमी मर जाता है, उसका इलाज नहीं है। लेकिन वो सांप जो है 90% काटने की कोशिश नहीं करता, वो बहुत समझदार सांप और घने जंगलों में रहता है, और उसका आमना सामना इंसानों से मतलब नहीं होता, लगभग नहीं होता। इसकी वजह से हम लोगों ने उसके बारे में नहीं बताया आपको, क्योंकि तो कंफ्यूजन होती है। खाली वो एक सांप है 20 साल तक वो आराम से जीता है, किंग कोबरा। लेकिन बाकी जितने भी सांप है उनकी उम्र 15 साल तक होती है। और ये जो छोटे प्रकार के सांप है, जैसे आपको मैंने बताया था, वो कुकरी सांप हो गया, कवड़े सांप हो गया, जो 2 फुट 2.5 फुट इनकी जो, और जो इतनी उंगली जितने चौड़े होते, ये सांप ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक जीते, 5 से 7 साल ये इनकी उम्र होती है। इतना पुराना प्रमाण किती वाढला असेल सांप जो है ना, जब वो मिलन करते, और ऐसा नहीं होता कि हर बार वो मिलन करते, कभी कभी सांप जो है लड़ाई कर रहे रहते, लेकिन हमको क्या लगता है कि ये मिलन कर रहे। जब भी हम सांप को लड़ाई करते देखते, हम क्या बोलते हैं, ये मीटिंग कर रहे, ये मिलन कर रहे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर वो मिलन भी कर रहे तो हमको क्या करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये नेचुरल चीज है। जो हर प्रकृति में जो इंसान करता है, जो जानवर करता है, जो कीड़े मकोड़े करते हैं, वो भी वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई, लेकिन सांपों को लेकर लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, अरे वो सांप है, दो सांप एक साथ है। तो ऐसे तो हर चीज करता, हर प्राणी करता, हर इंसान करता है, तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं। अगर आपको ऐसा कभी दिखता है ना, तो आप अपना काम करके निकल जाओ, वो अपने नेचर में जो कर रहे हो करने दो। लेकिन आप क्या करते हैं, उसके ऊपर कपड़ा अगर डालने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देते। डिस्टर्ब करने से क्या होता है, उनकी जो मीटिंग है वो होती नहीं, अधूरी हो जाती, वो घबरा के डर के भाग जाते हैं, और उल्टा शायद जाते हैं तो तुमको बदुआ भी देंगे। तो ऐसा नहीं होता, अगर उसको चद्दर डाल के ऐसा करोड़पति बनने लगे तो फिर यार क्या बोलने का, फिर तो हम तो यही करते थे सांप छोड़ के, हम तो जंगलों में ढूंढ ढूंढते देखते थे कहां पे मीटिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक नेचुरल चीज है, और जब आपको ऐसा दिखता तो उसको छेड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना उसको। उल्टा अगर वहां पे अगर कोई भीड़ जमा है तो आप लोग उनको समझाओ कि भाई आप अपना काम करो, इसमें कोई नई चीज नहीं ना, इसमें कोई नई तो बात नहीं, कोई बस ये कॉमन चीज है, ये सब सिर्फ कहने सुनने की बात।